हुकूमत अवाम को जदीद और सस्ती सेहत की सहूलियात देने के लिए कोशां। सिन गारमेंट कतर अस्पताल में जदीद मशीनें नस्ब कर दी गई। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। हुकूमत अवाम को जदीद और सस्ती सेहत की सहूलियात देने के लिए कोशां। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में जदीद मशीनें नस्ब। कतर अस्पताल औरंगी टाउन में तकरीब। अमरीका की जानिब से महकमा सेहत को इब्तदाई तौर पर 5 इजला में टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जदीद एक्सरे मशीनें और मोबाइल वैन्स अतिया की गई हैं। जिला वेस्ट कराची का पहला जिला है जिसको ये सहूलत दी गई है। बाकी 4 इजला में आज वैन्स रवाना की जाएंगी। अमरीकी सफीर, वजीर सियासत सिंध, सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर शरीक हुए। अस्पताल के MS डॉक्टर राशिद सिराज खानजादा ने कहा कि हमें खुशी हुई है कि हमारे अस्पताल में टीबी के मरीजों को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। वाहिद हॉस्पिटल है पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो स्क्रीन करके देते हैं, एक्सरे करके देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और इसी तरह जीन एक्सपर्ट। अब ये वेन आ जाने की वजह से घर पर जाकर उनके एक्सरे हो जाया करेंगे, उनकी जीन एक्सपर्ट हो जाया करेंगी। और ये हम भी पहली बार देख रहे हैं कि कोई एक्सरे जो पोर्टेबल है, जो बैटरी पे चलता है और वो AI एडवांस एक किस्म की टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे सपोर्टेड है। यानी कि वो एक्सरे खुद ही स्कोरिंग करके बता देगा कि आया इसको टीबी की अलामत हैं या नहीं है। तकरीब के बाद इलाके की बड़ी तादाद में अवाम स्क्रीनिंग कराने के लिए अस्पताल पहुँचना शुरू हो गयी। कैमरा मैन जहांजेब के साथ इब्राहिम रिंद, CT21।